वहीं चंपावत में होने वाले उपचुनाव बीजेपी ही नहीं बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि ये जीत ही सीएम धामी की सत्ता को बचा सकेगी। इसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान से बात की खबरफास्ट के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार नमस्कार। रविंद्र जी, ये बताइए कि उपचुनाव की जो है ऐलान हो चुका है, और इस वक्त किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है चुनावों को लेकर? देखिए, वैसे तो अमूमन कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट में हो, चुनाव लड़ते हैं तो ये माना जाता है कि ये रस्म अदायगी है और उनका जीतना निश्चित होता है। कारण बड़ा ही सिंपल है कि आवाम जो है, जो पब्लिक है, जो मतदाता है, वो चाहता है कि मेरा प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होगा तो विकास के कार्य होंगे, सब चीज़ें आसानी से मुहैया होगी, हमारा प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होगा तो अपने काम कराएंगे। तो विकास के लिए लोग जो है सामान्य तौर पर 99% या 100% केसेस में चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। हमारे साथ प्लस पॉइंट्स ये हैं कि मोदी जी का प्रभाव है, योगी जी का प्रभाव है, भारत सरकार की ने जो काम किए हैं उत्तराखंड के अंदर, और राज्य सरकार ने विशेषकर पुष्कर सिंह धामी जी का जो प्रथम 7 माह का कार्यकाल था उसमें जो बहुत ही बढ़ चढ़ कर कोई कसर नहीं छोड़ी, तो एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना है। और भाई पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति लोगों में एक आदर का भाव, सम्मान का और आकर्षण भी रहा है। और अपना सेकेंड टर्म शुरू हो गया है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इंजन डबल है, तो लोगों, हमारे पास प्लस पॉइंट्स बहुत हैं। और कांग्रेस जो है वो पहले ही दिन जो है उसने हाथ जो है वो झाड़ दिए, वो सरेंडर की मुद्रे में। इसलिए अब तो ये है कि भूतो न भविष्यति, अब तो मार्जिन कितना होना चाहिए ये देखा जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो है उदयपुर में मंथन शिविर चल रहा है, और उपचुनाव में जो है उनके दिग्गज नेता भी कई लोग नहीं दिखाई दे, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? इस उपचुनाव में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं भैया। तो देखो, रस्म अदायगी के लिए कि कांग्रेस प्रतिपक्ष है तो एक कैंडिडेट लगाना है। बहन हमारी निर्मला घेतोड़ी सामान्य कार्यकर्ता हैं, अच्छी कार्यकर्ता हैं, लेकिन अच्छा होता अगर हरीश रावत जी दमखम दिखाते तो हमारे मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते। यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनको छाया मुख्यमंत्री कहता है, उनमें अगर दमखम था, हिम्मत थी, तो क्या कहते हैं, उनको चुनाव में उतरना चाहिए था। करण मेहरा जी जवान हैं, यंग हैं, ऊर्जावान हैं, वो ताल ठोक के बैठते तो कहाँ कोई बैठने को तैयार है। तो समझा ये जा रहा है कि एक कोरम पूरा करना है, रस्म अदायगी है, फॉर्मेलिटी है, इसलिए निर्मला घेतोड़ी जी कोई नहीं मिला, तो निर्मला जी आओ और जो है तुम चुनाव लड़ो। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी, जिन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केवल रस्म अदायगी यहाँ पर उपचुनाव में देखी जा रही, और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो चुनाव है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र बुडोला के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून।